हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग अगेन वेलकम टू माय क्लास कल आपने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था आपको बताया गया था रिसोर्सेज क्या होते हैं डेवलपमेंट कैसे होता है ये सारी चीज़ें कल हम लोग पढ़ चुके थे व्हाट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन व्हाट बेसिस रिसोर्सेज आर क्लासीफाइड ऑल दिस वी स्टडीड इन दस्टरडे क्लास आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज या संसाधनों का विकास कैसे हुआ कैसे किया गया दिस रिसोर्सेज वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज़ फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ जितने भी संसाधन हैं हमारे पास ये मनुष्यों के जीवित रहने के लिए मनुष्यों के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है इसके साथ ही साथ इसके साथ ही साथ हमारे लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आवश्यक होते हैं इसलिए क्या हुआ कि जैसे जैसे हमको रिसोर्सेज की जानकारी मिलती गई हम बड़े पैमाने पर बड़ी बेदर्दी से रिसोर्सेज का उपयोग करने लगे सो दिस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्रिएटेड सो मैनी प्रॉब्लम्स द मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आर सबसे पहला डिप्लेशन ऑफ़ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स अर्थात कुछ स्वार्थी या लालची लोगों के स्वार्थ को पूरा करने के लिए रिसोर्सों का या संसाधनों का इतनी तेजी से उपयोग हुआ कि ऐसा लगा कि वो संसाधन उड़ते चले जा रहे हैं मतलब बहुत तेजी से वो रिसोर्सेस ख़त्म हुए दूसरी प्रॉब्लम आई एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इंटू टू सेगमेंट्स दैट इज एंड और रिच और पुअर ठीक तो पहली समस्या क्या थी कि डिप्लेशन रिसो, ऑफ रिसोर्सेस मतलब रिसोर्सेज बड़ी तेजी से खत्म होने लगे और क्यों ख़त्म होने लगे कुछ स्वार्थी लोगों की या कुछ लालची लोगों की जरूरतों को या लालच को पूरा करने के लिए दूसरी समस्या थी एक्मोलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड विच टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इन टू टू सेगमेंट्स दैट इज है और रिच एंड पुअर मतलब दूसरी समस्या यह आई कि जो संसाधन थे ये कुछ लोगों के हाथ में संकेंद्रित हो गए अब जब ये कुछ लोगों के हाथ में संकेंद्रित हो गए उन्होंने इनका उपयोग शुरू किया तो इसका असर ये पड़ा कि सोसाइटी जो थी वो दो ग्रुप में बट गई कौन से दो ग्रुप थे एक ग्रुप था हैव्स अर्थात जिनके पास सब कुछ है और दूसरा ग्रुप था हैव नोट्स जिनके पास कुछ भी नहीं है दूसरे शब्दों में इनको हम अमीर और गरीब कहते हैं तो क्या हुआ कि जब रिसोर्सेज को कुछ लोगों के हाथ में संकेंद्रित कर दिया गया तो हमारा समाज जो था ये दो भागों में बट गया अमीर में और गरीब में या सुविधा भोगी और सुविधा रहित वर्गों में बट गया तीसरी समस्या क्या है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस ठीक मतलब हमने बिना सोचे समझे बिना किसी प्लानिंग के बड़ी तेजी से संसाधनों का उपयोग शुरू कर दिया सो दिस इन डिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग ओजोन लेयर डिप्रेशन इन्विरामेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन ठीक तो जब हमने बिना सोचे समझे बड़ी बेदर्दी से इन रिसोर्सेज का उपयोग शुरू किया तो कुछ ग्लोबल समस्याएँ या भूमंडलीय समस्याएँ या विश्व स्तरीय समस्याएँ उत्पन्न हुई इनमें पहली समस्या थी ग्लोबल वार्मिंग की या विश्व पृथ्वी के तापमान की बढ़ोतरी की दूसरी समस्या थी ओजोन लेयर डिप्लेशन की या ओजोन लेयर में छेद होने की अब ये ओजोन लेयर जो है ये वायुमंडल के ऊपरी परत में पाई जाती है और पृथ्वी को सूर्य की अल्ट्रा रेडिएशन से या पराबैंगनी विकिरण से बचाती है अगली समस्या उत्पन्न हुई इन्विरोमेंटल पॉल्यूशन की या पर्यावरण प्रदूषण की तो हमने क्या किया रिसोर्सेस का उपयोग किया इसके कारण बहुत सी पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई और चौथी समस्या हुई लैंड डिग्रेडेशन या भूमि के क्षरण की तो ये जो तीनों समस्याएं थी ये रिसोर्सेस के बिना प्लानिंग के उपयोग के कारण उत्पन्न हुई अब चूंकि मैक्सिमम रिसोर्सेज जो हैं हमारे वो नॉन रिन्यूएबल है तो उनको यदि हम बेदर्दी से उपयोग करेंगे तो भविष्य के लिए वो नहीं बचेंगे दूसरी तरफ जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं जो नवीकरण योग्य संसाधन है यदि हम उनका भी उपयोग करते हैं और तेजी से करते हैं तो भविष्य में वो भी खत्म हो सकते हैं अब आप कहेंगे वो तो रिन्यूएबल है तो खत्म कैसे होंगे तो इफ़ द रेट ऑफ रीन्यूअल इज लेस देन द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑब्वियसली द रिसोर्सेज विल बी डिस्ट्रॉयड मतलब जो उनके रिन्यू होने की नवीकरण होने की जो दर है यदि उससे ज़्यादा तेजी से हम उन संसाधनों का उपयोग करेंगे तो अपने आप वो रिसोर्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे हैं अब हम पेड़ों को काटते हैं अपनी जरूरत के लिए अब पेड़ तो नवीकरण संसाधन है रिन्यूएबल रिसोर्स उगते हैं लेकिन मान लीजिए पृथ्वी में सौ पेड़ रोज उगाने की क्षमता है एक पर्टिकुलर एरिया में अब यदि हम नब्बे पेड़ रोज काट रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है सौ पेड़ भी रोज काट रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है वो रिन्यू हो रहे हैं लेकिन यदि हम एक सौ दस पेड़ रोज काट रहे हैं तो क्या होगा दस दस पेड़ रोज रोज कम होते जा रहे हैं और धीरे धीरे वो संसाधन खत्म हो जाएंगे तो अब इससे बचने तो अब इससे बचने के लिए इन समस्याओं से बचने के लिए ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए इन्वेरानमेंटल पॉल्यूशन से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा तो वो तरीका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का या धारणीय विकास का अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट damaging the environment and development in the present should not compromise with the needs of the future generation matlab jo dharniya vikas ya satat poshniya vikas bhi ise kehte hain इसका मतलब क्या होता है कि हम विकास तो करें लेकिन इस हिसाब से करें कि वो हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए और हमारी जो आज की ज़रूरतें हैं वो इतनी ना बढ़ जाए कि भविष्य में आने वाली जन जनरेशन्स के लिए कुछ भी ना बचे तो हमको एक व्यवस्थित रूप से इस तरह से संसाधनों का उपयोग करना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो सुरक्षित रहे जैसे कि जैसे कि मान लीजिए अब आप स्कूल आते हैं एक बोतल पानी लेके आप आए ठीक है आप पी लेते हैं स्कूल में दोबारा उसको ज़रूरत होती है भर लेते हैं अब मान लीजिए किसी दिन आप सुबह आए और आपको पता चला कि स्कूल में पानी नहीं मिलेगा मतलब क्या हुआ कि आपको वही पानी एक बोतल दिन भर चलाना है तो एक तरीका तो ये है कि आप वो पानी पिए ही ना और छुट्टी तक बचा के रखें लेकिन इससे आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी आपको प्यास लगेगी तो आपको पानी चाहिए दूसरा तरीका क्या है कि हम उसको थोड़ा थोड़ा पिए ताकि वो छुट्टी तक चल सके जनरली क्या होता है या एक तरीका और है कि हमारे पास पानी तो है अभी हम पी लेते हैं देखा जाएगा नहीं मिलेगा तो तो क्या होगा इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा है कि हम थोड़ा थोड़ा करके पिए ताकि वो छुट्टी तक चल जाए तो ये जो थोड़ा थोड़ा करके पीना है और छुट्टी तक चलाने की जो टेंडेंसी है जो तरीका है इट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हम उस चीज़ को सस्टेन कर रहे हैं उस पानी को छुट्टी तक सस्टेन कर रहे हैं ताकि छुट्टी तक वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तरीका अपनाएंगे तभी जाकर हमारे संसाधन बचेंगे और भविष्य के लिए सुरक्षित रहेंगे अब अगला टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग ठीक है तो अब सवाल उठता है कि जब हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो कुछ प्लानिंग होनी चाहिए हमारी जैसे मान लीजिए पानी की बोतल लेके आए और आपको पता है आज मिलने वाला नहीं है यदि स्कूल में पानी होता है तो आप क्या करते हैं थोड़ी देर में एक पीरियड में उसको पी के दोबारा बोतल भर लेते हैं लेकिन यदि आपको मालूम है कि आज दिन भर पानी नहीं है तो आप क्या करेंगे उसको बचाएंगे मन में एक प्लानिंग करेंगे इतना पानी अभी पी लेते हैं इतना पानी बाद में पियेंगे इतना छुट्टी तक बचाएंगे तो आप क्या करते हैं एक प्लानिंग करते हैं कि हम कैसे इस पानी को छुट्टी तक बचाएं इसी तरह से जो संसाधन है इनको भी यदि हम बचा के इस्तेमाल ना करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे तो इनको भी हमें एक प्लानिंग के जरिए रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना होता है और ये जो प्लानिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग सो प्लानिंग इज इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स अर्थात संसाधनों को न्यायपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करने के लिए प्लानिंग की या योजना बनाने की ज़रूरत पड़ती है दे अब क्यों पड़ती है क्यों हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम प्लानिंग करें तो बिकॉज देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशेंट इन टर्म्स ऑफ एवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स मतलब क्यों ज़रूरत पड़ेगी बचाने की और सोच समझ के खर्च करने की क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ सफिशियंट रिसोर्स है या वो अपनी ज़रूरतों को अपने रिस, उपलब्ध रिसोर्सेज से पूरा कर सकते हैं बट देर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाइटल रिसोर्सेज लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ बहुत से ज़रूरी संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है तो दोनों तरह के एरिया है कहीं बहुत ज़्यादा वाले रिसोर्सेस वाले या सेल्फ सफ़िशिएंट रिसोर्सेस वाले इलाके हैं और कहीं ऐसे इलाके जहाँ रिसोर्सेस बहुत कम हैं तो इनके बीच में हम कैसे समन्वय बनाए कैसे हम कमी वाले इलाकों की ज़रूरतों को पूरा करें कैसे हम जहाँ बहुत ज़्यादा है वहाँ वेस्टेज ना होने दें ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिसोर्स प्लानिंग के तहत आती है। अब इसी के तहत भारत में भी रिसोर्स प्लानिंग की जाती है ठीक तो हमारे यहाँ रिसोर्स प्लानिंग का क्या प्रोसीजर है कैसे करते हैं रिसोर्स प्लानिंग ये देखते हैं ठीक तो अब रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है बहुत जटिल प्रक्रिया है इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री अब इस रिसोर्स प्लानिंग का पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज एक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री ठीक तो पहला चरण हमारा क्या हो गया कि हमको आइडेंटिफाई करना है आइडेंटिफाई मतलब क्या हुआ कहाँ रिसोर्स है कैसे रिसोर्स है कितने रिसोर्स है पूरे देश में कहाँ कहाँ वो रिसोर्सेस पाए जाते हैं कैसे उनकी पहचान की जाए कैसे उनकी जांच की जाए कितने रिसोर्सेस हैं कितना नहीं है कम है कि ज़्यादा है ये सारी चीज़ों की जांच आवश्यक होती है इसके बाद दूसरा स्टेप होता है इवोल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर ठीक मतलब जो रिसोर्सेस हमने ढूंढ लिए पता कर लिए अब उनको हम कैस प्लानिंग करनी पड़ती है कि हम कैसे उनको डेवलप करेंगे क्योंकि बिना डेवलप किए हम रिसोर्सेस का उपयोग नहीं कर सकते हैं जैसे मान लीजिए हमने पता लगा लिया कि सिंगरौली में जमीन के अंदर कोयला है लेकिन उस कोयले को कैसे ज़मीन से बाहर निकालें पैसा कहाँ से आएगा मशीनें कहाँ से आएगी टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी ये सारी चीज़ों की जानकारी हमको जुटानी पड़ती है तो दैट इज़ कॉल्ड इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर और तीसरा स्टेप होता है मैचिंग द रिसोर्सेस मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान मतलब हम जो रिसोर्स प्लानिंग का डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको देश का जो डेवलपमेंट प्लान है उसके साथ समन्वय करना या उसके साथ मैच करना आवश्यक है जैसे मान लीजिए देश को सौ टन कोयले की ज़रूरत है हम ऑलरेडी सौ टन कोयला उत्पन्न कर रहे हैं अब हमको मालूम है सिंगरौली में बहुत कोयला है हम दो सौ टन कोयला निकालने लगेंगे तो क्या होगा हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं बट वो नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच नहीं हो रहा है so matching of the resource development plan with overall national development plan is also necessary then the availability of resource is a necessary condition for the development of any region so in spite of all the resource planning unless resources are available we cannot utilize the resources so the availability of resources a basic condition for resource planning so since resources are vital many of the important resources are non renewable which cannot be renewed in a short span of time so we have to conserve our resources so our next topic is conservation of resources बहुत से रिसोर्सेस हैं कुछ नवीकरण है कुछ अनवीकरण है सब किसी न किसी रूप में हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं तो चूंकि ये समाप्त हो सकते हैं खत्म हो सकते हैं पॉल्यूटेड हो सकते हैं वेस्ट हो सकते हैं इसलिए हमको कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज या संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है कारण क्या है कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है यदि सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करना होता तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ती जब तक है यूज़ करेंगे ख़त्म हो जाएगा बात खत्म लेकिन ऐसा तो है नहीं हमको तो फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना है सस्टेन करना है अपने रिसोर्सेज को तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज जरूरी होता है रिसोर्सेज को बचाना ज़रूरी होता है ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रह सके सो so, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी अब क्यों बचाना जरूरी है क्योंकि रिसोर्सेज जो है ये विकास के लिए आवश्यक होते हैं यदि रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हमारा विकास रुक जाएगा इसलिए इनको बचाना जरूरी है सो अकॉर्डिंग टू गांधी जीज वर्ड देर इज एनफ फॉर एवरी बडी इज़ नीड एंड नॉट फॉर एनी बडी इज ग्रीड अब जनरली हम लोग क्या कहते हैं रिसोर्स बहुत ख़त्म हो जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे अपने प्रॉब्लम्स पढ़ी कि इट वॉज एक्यूमुलेटेड इन सर्टन हैंड्स एंड इट इज रिसोर्स वेर देर वॉज डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सिस फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल तो इसी को देखते हुए गांधी जी ने यह कहा था कि देर इज एनफ फॉर एवरीबडी नीड मतलब प्रकृति ने सबकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भरपूर संसाधन दिए हैं बट नॉट फॉर एनी बडी ग्रीड मतलब किसी के लालच को पूरा करने के लिए प्रकृति ने हमें संसाधन नहीं दिए लेकिन इतने संसाधन दिए हैं कि हम हर व्यक्ति की जरूरतों को पूरा कर सकें तो गांधी जी शुरू हमेशा से मास प्रोडक्शन के विपरीत थे ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाई द मासेस दोनों में क्या डिफरेंस है कि गांधी जी चाहते थे मास प्रोडक्शन नहीं हो मतलब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस का प्रोडक्शन नहीं हो लेकिन बदले में वो क्या चाहते थे कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत सारे लोगों के द्वारा हो ताकि रोजगार का सृजन हो सके ठीक तो अब कन्ज़रवेशन ऑफ रिसोर्स ठीक तो अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज ज़रूरी क्यों है क्योंकि रिसोर्सेज को यदि हम नहीं बचाएंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं बचेंगे फिर हम किससे कहानियों में पढ़ेंगे जैसे अभी पढ़ते हैं कि कभी डायनासोर हुआ करता था वैसे ही आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी कि कभी कोयला हुआ करता था या कोयले जैसा कोई संसाधन होता था तो इसलिए बचाना जरूरी है तो अब बचाने के लिए हम क्या करेंगे <coughs> सबसे ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्स प्लानिंग करके संसाधनों का उपयोग करेंगे तो संसाधन फ्यूचर में हमारे लिए बचे रहेंगे तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही इसमें यदि आपको कहीं भी कोई डाउट हो कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद शुभ दिन